पिछले 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। देहरादून में सड़कों पर पानी भरा है तो नदी नाले उफान पर हैं। वहीं मौसम विभाग ने पौड़ी और नैनीताल जिले के कुछ स्थानों पर शनिवार को भारी से भारी बारिश और कहीं कहीं पर अत्यंत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। आप 9 तारीख को जाएंगे तो जो बारिश की एक्टिविटी वो काफ़ी बढ़ जाएगी और उसकी वजह से जहां हल्की से मध्यम है बारिश है सभी जगहों में मिलेगी। उसके साथ साथ आप देखेंगे जो भारी से बहुत भारी बारिश है वो कुछ जगहों में, जो हमारे खासकर दो डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें कि पौड़ी और नैनीताल की अगर बात करें तो इनमें ये कुछ जगहों तक भारी से बहुत भारी बारिश मिलने वाली है। और साथ ही जो अत्यधिक भारी है कि 21 सेंटीमीटर या उससे भी ज़्यादा रेनफॉल जो है 24 आवर्स के ड्यूरेशन में मिलने वाला है तो उसमें ये दोनों डिस्ट्रिक्ट जो है नैनीताल और पौड़ी जो है ये रहेंगे। मौसम विभाग ने पौड़ी और नैनीताल के अलावा शनिवार के लिए ही देहरादून, टिहरी, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, चंपावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर व पिथौरागढ़ जिले में कहीं कहीं पर भारी से भारी बारिश की आशंका जताई है। इन जिलों को ऑरेंज अलर्ट पर रखा गया है जबकि पौड़ी और नैनीताल जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। जो इसमें नदी नाले हैं उसके आसपास जो लोग रहते हैं उनको सतर्क रहने की जरूरत है। इसी तरह जो लो लाइंग एरियाज है कहीं पे तो वहाँ जल भराव की स्थिति बन सकती है तो उसमें कहीं ना कहीं जो लोगों को काफ़ी सतर्क रहना है। साथ ही जो रास्ते हैं वो बंद हो सकते हैं, लैंडस्लाइड होगा और बोल्डर्स वगैरह गिरना, तो जो मूवमेंट है लोग है अगर संभव हो तो अवॉइड करें और बहुत जरूरी हो तो फिर काफ़ी सावधानी के साथ जो है मूवमेंट करें। नैनीताल, पौड़ी और पिथौरागढ़ में पहली से 12वीं तक के स्कूलों में छुट्टी भी घोषित कर दी गई है। ऐसे में लोगों को सावधान रहने की भी जरूरत है। क्राइम पेट्रोल के लिए देहरादून से अफजाल अहमद की रिपोर्ट।